खबर है सूरत से। सूरत के एक कपड़ा दलाल से लगभग 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने उसे किडनी बेचने के अवेज में 4 करोड़ रुपए का लालच देकर अलग अलग खर्च के बहाने से 15 लाख रुपए ठग लिए। इसका एहसास होने पर दलाल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। साइबर क्राइम पुलिस थाने के सूत्रों ने बताया कि नानपुरा निवासी पीड़ित अरबाज राणा ने आरोप लगाया है कि उसने एक वेबसाइट पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक किडनी के लिए 4 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। राणा ने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने अपनी किडनी बेचने और कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। वेबसाइट पर भरोसा करते हुए राणा ने सितंबर 2020 में व्हाट्सएप के जरिए दिए गए नंबर पर संपर्क किया। दूसरी तरफ महिला ने अपना परिचय बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल की डॉक्टर शिल्पा कुमारी बताया। बाद में राणा से अलग अलग लोगों ने फोन और ईमेल पर संपर्क किया। बदमाशों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की तरह दिखने वाली एक ईमेल आईडी बनाई। उन्होंने विभिन्न शुल्कों के भुगतान की मांग की और उन पर विश्वास करते हुए राणा ने ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से कई लेन देन में पैसों का भुगतान किया। आरोपी पैसे की मांग करता रहा, जिसके बाद राणा को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद राणा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।